मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। कथाओं की इस श्रृंखला में मैं उनके भक्त SD गंडा साहब, उनकी 1944 की एक घटना सुना रहा हूं। SD साहब SBI में अधिकारी थे। 1944 में महाराज जी देव दीक्षित के यहां अल्पप्रवास पर आए थे। SD साहब को पता चला तो वो उनके दर्शन के लिए गए। वो जैसे ही दर्शन के लिए अंदर गए, महाराज जी को नमन किया और महाराज जी उठ खड़े हुए और आशीर्वाद में ये कह दिया कि तेरे घर आऊंगा और चले गए। संयोग रहता है, लगता कहीं जाने वाले होंगे, संयोग ऐसा भी हो सकता है कि वो जा रहे हों और उन्हें प्रणाम किया और वो चले गए। खैर बात आई गई हो गई। लेकिन SD साहब को ये लगा कि हम अपने मन की कुछ बातें कर नहीं पाए। पुनः सूचना मिली कि लखनऊ में आए हुए हैं, सूरज नारायण मेहरोत्रा के यहां रुके हुए हैं। SD साहब वहां गए। महाराज जी ने कहा तू जो चाहता है मांग ले। SD साहब बोले कि महाराज जी कृपा बनी रहे आपकी, ठीक है, प्रसन्न रहेगा, चिंता मत कर, सब कुछ ठीक ठाक है। महाराज जी से बातचीत हुई और लखनऊ जब गए थे वो तो अपनी भाभी और अपनी पत्नी को भी साथ ले गए थे। भाभी खड़ी थी, कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। महाराज जी ने कहा तू अपने पति के बारे में चिंता मत किया कर, चिंता छोड़ दे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। भाभी अपने पति के बारे में ही बात करना चाह रही थी और कह नहीं पा रही थी। महाराज जी ने अपनी तरफ से ही बता दिया। पत्नी ने जब प्रणाम किया तो महाराज जी ने कहा तू तो पहले ही सोच के आई है कि क्या पूछना है, पूछ। महाराज जी ने जब SD साहब की पत्नी से यह कहा तो निश्चित रूप से वो घर से सोच के आई थी कि हमें कुछ कहना है, लेकिन वो संकोच कर रही थी। वहां और भी भक्त बैठे थे, बातें कुछ ऐसी जरूर रही होंगी जो वो कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। महाराज जी समझ गए। महाराज जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं बताना चाहती है मत बता, तेरे घर पे मिलेंगे, तेरे घर पे आएंगे तब तू बताना, तब पूछ लेना। बात फिर टल गई। घर की कुछ बातें होती हैं जो नितांत व्यक्तिगत होती हैं और उन्हें हम सबसे शेयर नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ, महाराज जी का तीसरा अल्प प्रवास फिर कानपुर में दीक्षित जी के यहां हुआ। दीक्षित जी के यहां SD साहब दर्शन करने पहुंचे। महाराज जी ने कहा चलो आज तेरे घर चलते हैं। वो महाराज जी के साथ चल पड़े, अपने घर पहुंचे और महाराज जी SD साहब के घर पर पहुंचे। वहां पहले से तैयारियां थीं, ड्राइंग रूम को सजाया गया था, ड्राइंग रूम
अच्छी तरह से बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन महाराज जी ड्राइंग रूम में नहीं गए। उन्हें कहा कि महाराज जी आइए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तेरे छोटे कमरे में बैठूंगा चल के पहले। तो छोटा कमरा जो उनका पूजा घर था, जैसे वो आए तो पहली बार थे लेकिन घर में इस तरह बढ़ते जा रहे थे जैसे वो कई बार आ चुके हैं, उन्हें पता है कि पूजा घर कहाँ है। घर में जाके और पूजा घर में बैठ गए, सब परिवार के सदस्य वहीं खड़े हो गए। महाराज जी ने कहा कि बता तू क्या पूछना चाहती थी। पत्नी फिर भी चुप थी। महाराज जी ने कहा अच्छा तू नहीं पूछेगी। महाराज जी ने अपना बोलना शुरू कर दिया और जो उनके मन में बातें थीं, जो वो पूछना चाहती थीं, उन सब का समाधान अपनी तरफ से दे दिया और ये कहा कि कुछ रह गया हो तो बताओ, लेकिन माई किसी साधु को ऐसे परेशान मत करना। एसडी साहब आश्चर्यचकित हो गए, तीन बार पूछा बताओ, लेकिन वो स्वभावगत चुप रही। महाराज जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर अपने संबोधन में दे दिया, अपनी बातें बता दी और पूछ लिया कि और कुछ रह गया हो तो बताओ, लेकिन फिर ये भी कहा कि किसी साधु को ऐसे परेशान नहीं करना। मतलब परेशानी तो संत को भी होती है, लेकिन संत कभी भी भक्त को निराश नहीं करता। जो संत है, मैं आधुनिक बाबाओं की बात नहीं करता, कमेंट बॉक्स में लोग लिखते हैं कि बाबाओं का दौर चल रहा है या क्या है, मैं उनकी बात नहीं करता। महाराज जी हमारे ईश रूप हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे महाराज जी सर्वशक्तिमान हैं। और जब कोई ऐसा कमेंट आता है तो सच में बहुत बुरा लगता है। कृपया आप ऐसे कमेंट ना करें। बाबा नीम करोरी ईश्वर के अंश हैं और मानव हर आम मानव ईश्वर का अंश होता है। रामचरितमानस में लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और वो तो स्वयं ईश्वर थे। जो बातें हम आज को बता रहे हैं, भविष्य की बातें हम आपको जो बता रहे हैं, जो कहते थे वो सत्य होता था। तो कोई आम आदमी कह सकता है? ये महाराज जी का सशरीर विवरण है, जो उनकी कथाएं हैं वो मैं आपको सुना रहा हूं। आपको यदि ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो कृपया ऐसा कुछ न लिखें जिससे हम हमारे इस परिवार को ठेस पहुंचे। भक्त परिवार को अगर ठेस पहुंचती है तो मुझे कष्ट होता है, और निश्चित रूप से आपका जो कमेंट आता है वो हम बाबा को ही समर्पित करते हैं। और बाबा से कुछ ऐसा कहे तो आप समझ लीजिए कि आपके माँ बाप को, आपके भगवान से, आप जिससे मानते हो उससे अगर कोई कहेगा तो बुरा लगेगा। मैं सारी सत्य घटनाएं आपको बता रहा हूं। अगर इनमें से आपको कहीं किसी से जांच करनी है, परखना है, तो मैं नाम भी बताता हूं, स्थान भी बताता हूं, और अगर आपको कहीं से दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए, मैं स्रोत भी बताऊंगा। हमने जो भी कथा आपको सुनाई है वो पूरे शोध के बाद हम आपको देते हैं। तो आप निश्चित रूप से जानिए कि हमारे ईश्वर के बारे में आप कोई निगेटिव कमेंट ना करें। ये पीड़ा भी थी जो मैंने इस कथा के साथ आपके आपसे शेयर की है। मित्रों, कथाओं का सिलसिला जारी है, और यदि आपको ये सिलसिला अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। धर्म का खाता बढ़ाना है हमारा और अपना भी, तो इसको शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।